ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਵਨ ਬੰਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਮਨ ਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਪੂਨਮ ਸ਼ਰਮਾ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। कि वुमेन डे का फंक्शन जो है वो कांग्रेस भवन में मनाया जाए, और मैंने प्रदीप छाबड़ा जी से कल इजाज़त भी ले ली थी, लेकिन आज उनको लगा कि नवजोत कौर सिद्धू जी मेरे गेस्ट हैं तो उनको ऐसा लगा होगा कि वो यहाँ ना आए, यही मतलब होगा, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको सारी तरफ से ताला लगा दिया जाए ताकि ये अपने आप से चले जाएंगे और हम लोग मज़े करेंगे कि देखो पुरुष प्रधान देश में हमने महिलाओं के साथ क्या किया। मैं राहुल गांधी जी से अपील करती हूँ कि राहुल गांधी जी आप हमारे इंचार्ज भी हैं महिलाओं के, जो हमारा यूनिट है, अगर आपके राज्य में पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल जी जिनकी रहनुमाई में ये सब काम हुआ है, क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो उनके बनाए हुए हैं, महिला अध्यक्ष उनकी बनाई हुई है, सभी उन्हीं ने बनाए हुए हैं, और ऐसे अध्यक्ष आप क्यों बनाते हैं जो एक वर्कर को, मैं तो वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ आज की डेट में TCC की, उनको अंदर जाने से रोका जाए। ऐसा कौन सा भवन होता है जिसमें महिलाओं को आज के दिन तो हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है। इतनी गंदी राजनीति वो करेंगे ये मुझे अंदेशा नहीं था। मेरे वो बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ पवन बंसल जी की, लेकिन आज मैं राहुल गांधी जी को चिट्ठी भी लिखूँगी और मैं यहीं बैठूँगी और बिल्कुल घर नहीं जाऊँगी। अगर मेरे लिए आज ये नहीं खुला तो मैं किसी के लिए भी नहीं खुला।